स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है बू टच फिटिंग अभिक्रिया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई सालों से लगातार कंटिन्यू ये पूछ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बू टच फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम आपको बू टच फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, कैसे क्या है पहले ये बताएंगे, ये किस किस चीज़ों से रिएक्शन करता है, फिर हम इसका फिर आपको रिएक्शन बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो बू टच फिटिंग अभिक्रिया है ये किसे कहते हैं, ठीक है, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो आप एल्किल हैलाइड के बारे में जानते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, हम बू टच फिटिंग अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इसको देख लेंगे स्टूडेंट तो आप बिल्कुल इसे नहीं भूलेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। हमने बोला एल्किल हैलाइड, तो आप एल्किल जो है एल्किल, ठीक है स्टूडेंट, आप इसके प्लेस पर क्या क्या ले सकते हो, आप मेथिल ले सकते हो, एथिल ले सकते हो, प्रोपिल और ब्यूटिल, ठीक है, एथ मेथ प्रो कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। और हैलाइड जो है वो क्या है, हैलोजन वर्ग के तत्व है, जो पीरियोडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, ठीक है स्टूडेंट, उसमें हैलोजन वर्ग के तत्व जो होते हैं वो ग्रुप 17 में पाए जाते हैं, ठीक है। जो कौन कौन से है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और भी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये जो फोर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, हैलाइड यानी क्या होता है, हैलाइड मींस हैलोजन वर्ग के तत्व, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके जगह पर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, हमने बताया। और एल्किल के जगह पर आप मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, इस रिएक्शन में हम क्या लेंगे, मेथिल लेंगे, ठीक है। तो मेथिल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, ये क्या हो गया, मेथ हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बन फर्स्ट है तो मेथ हो गया, अगर से कार्बन दो रहेगा स्टूडेंट, अगर हमने C2H5 लिया तो क्या हो गया, एथिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कार्बन लिया इसलिए ये मेथिल हो गया। तो यहाँ पे आप एल्किल हैलाइड के बारे में आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमने तथा दो सोडियम धातु के इथरी विलयन के, ना सोडियम धातु जो होता है उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसकी संकेत Na होती है, ठीक है। इसको हमने हमने बताया कितने अणु लेंगे, इसके सोडियम धातु के कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे, ठीक है। तो दो सोडियम क्या होता है, धातु होता है स्टूडेंट, के इथरी विलयन के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराने पर अर्थात क्या, अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजील अर्थात क्या प्राप्त होता है, टाइलुइन, ठीक है, टाइलुइन प्राप्त होता है। एल्किल बेंजील के बारे में भी आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, एल्किल हम एल्किल का यहाँ पे हमने क्या बताया, अर्थ कि ये क्या है, एथ मेथ प्रोप आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हमने मेथिल लिया तो यहाँ पे क्या होगा, मेथिल प्राप्त होगा, ठीक है, एल्किल की जगह पर हमने मेथिल लेंगे और यहाँ पे बेंजील, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको बेंजील की संरचना नहीं आती स्टूडेंट तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में इस वीडियो में आपको बेंजील की संरचना बिल्कुल आसानी तरीके से बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा टाइलुइन प्राप्त हो जाती है, इसी अभिक्रिया को क्या करते हैं, बू टच फिटिंग अभिक्रिया। तो ये हो गया इसकी स्टूडेंट बू टच फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने बताया कि आपको हम बेंजील का संरचना बताएंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट जानते हो कि बेंजील किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर आप लोग जान जाओगे, ठीक है। तो जो बेंजील होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये होता है कार्बन की संकेत, ठीक है, ये कार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इन्हीं दो तत्वों से मिलकर के क्या बना होता है, बेंजीन बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जो बेंजीन की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया बेंजीन की संरचना, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, जिस जो इसका प्रत्येक कोना दिखाई दे रहा है, इसके प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार एक कार्बन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसके प्रत्येक कोने पर जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके सिक्स हैं, ठीक है, सिक्स कोने हैं, तो यहाँ पे सिक्स कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है उसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक छोर, यहाँ पे एक पर बांध लगाए, फिर इसको छोड़ दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक छोड़, एक पर क्या लगाते हैं, डबल बांध लगाते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसके परमाणु क्रमांक क्या होता है, सिक्स होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं 2, 2 और 4, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको जो है, इसको 4, इसके कार्बन को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे इसको 8 होने चाहिए, तो इसको 4 की आवश्यकता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 4 की आवश्यकता है, अगर हम इसको 4 दे देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 और 8 इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन के एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, एक हाइड्रोजन से ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन से ले रहा है, तो 5, यहाँ पे 6, 7, 8, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा रखा है। ये हो गया बेंजिल की संरचना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो क्लोरो बेंजिल है, ये क्लोरो बेंजिल को समझने के लिए हमने यहाँ पे आपको बेंजिल की संरचना को बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके प्रत्येक कोने पे हमने बताया कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है, अणु सूत्र होती है, ये होगी संरचना सूत्र स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हो गया C6H5H6, ठीक है, ये हो गया बेंजिल का सूत्र, ठीक है। अगर यहाँ पे C6H5Cl, ठीक है, तो ये हमने अगर इसको लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजिल, ये क्लोरोबेंजिल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे Cl जुड़ गया तो ये क्या हो गया, इसी जगह यहाँ पे स्टूडेंट अगर Cl जुड़ गया तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजिल की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको समझने के लिए बता दिए, ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम या अदर एग्जाम में आपको करना है तो आप ये CH को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप क्या दिखाएंगे, सिर्फ सिंपली सा ऐसे आप रिएक्शन करते समय दिखाएंगे, ठीक है, रिएक्शन में आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजिल बताया तो यहाँ पे आप Cl जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप इस प्रकार दिखाएंगे, ये नहीं कि आप CH दिखा दिए, ठीक है, इसमें आपके समय की लॉस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बताया क्लोरोबेंजिल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की जगह पर हमने क्या लिया, प्लेस पे मेथिल ले लिया, ठीक है, और हैलाइड की जगह पर हमने क्या लिया, क्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कुछ भी ले सकते हो, हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम अब बताएंगे आपको, यहाँ पे तो देखिए स्टूडेंट, ये Cl है, ये हो गया क्लोरोबेंजील, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजिल को किस प्रकार लिखा, इस प्रकार, ठीक है, इसको बिल्कुल उसी प्रकार लिखे हैं, सिर्फ इसको क्या कर दिए, राउंड कर दिए, ठीक है स्टूडेंट, इसको इस प्रकार कर दिए, क्या करने के लिए, रिएक्शन को सरल करने के लिए, ठीक है, आपको समझने के लिए। प्लस प्लस हमने क्या बताया यहाँ पे, 2 सोडियम, सोडियम धातु के कितने तत्व, 2, ठीक है, 2 अणु सोडियम धातु के हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2Na, ठीक है, यहाँ पे सोडियम धातु के हमने कितने ले लिए, 2 अणु ले लिए, ठीक है, ये क्या है, सोडियम धातु है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे फिर प्लस यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे हमने क्या बताया, CH3, ठीक है, CH3 अर्थात एल्किल हैलाइड की जगह पे हमने क्या ले लिया, मेथिल ले लिया, ठीक है, और हैलाइड की जगह पे हमने क्या ले लिया, Cl, यहाँ से क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोरीन को ले लिया। तो इसको इस प्रकार जो हो गया एल्किल हैलाइड अर्थात मेथिल क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने बताया कि क्या है, मेथिल क्लोराइड है, ठीक है स्टूडेंट, एल्किल के स्थान पर हमने मेथिल लिया, और हैलाइड अर्थात हैलोजन वर्ग के तत्व के स्थान पर हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, इसलिए यहाँ पे क्लोराइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो जो एथिल मेथिल क्लोराइड, सॉरी स्टूडेंट, मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, CH3Cl, ठीक है, ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको रिएक्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने Cl लिख दिया,
और यहाँ पे CH3 लिख दिया। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल उसी प्रकार लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है, आसान करने के लिए यहाँ पे हमने Cl को पहले लिख दिया और CH3 को बाद में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इस जैसे हम लिख रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार भी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, किसी भी प्रकार आप रिएक्शन को लिखिए, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे CH2 लिख दे, ठीक है, यहाँ पे CH3 अगर आप ले रहे हो मिथिल क्लोराइड तो CH3 Cl ही लोगे। आप रिएक्शन को किसी भी प्रकार से करके सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं जो तीर की निशान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया इथरी विलयन में, अर्थात क्या, ड्राई इथर, ठीक है, शुष्क इथर, ठीक है, शुष्क इथर के उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त क्या होता है स्टूडेंट, तो हमने बताया क्या, एल्किल बेंजील अर्थात क्या, टाइलुइन प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ये किस प्रकार प्राप्त होता है, ठीक है, अगर स्टूडेंट इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको राउंड कर दिया, यहाँ से स्टूडेंट हम इसको राउंड कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो Na है सोडियम, सोडियम के कितने अणु है, दो अणु है, और यहाँ पे हमने दो क्लोरीन को राउंड किया, इसलिए हमने इस प्रकार इस रिएक्शन को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्लोरीन हो गए और दो सोडियम हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट इसको हम प्लस NaCl, ठीक है, यहाँ पे दो सोडियम दो क्लोरीन हमने बताया, यहाँ पे दो सोडियम और दो क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे 2NaCl लिख दिया, 2NaCl लिख दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो सोडियम हो गए और दो क्लोरीन हो गए, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे बच रहा है स्टूडेंट वो हमारा क्या बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये क्या बच रहा है, यहाँ पे ये बेंजिल की संरचना आपको दिख रही है और यहाँ पे एक एल्किल की संरचना दिख रही है जी, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, मेथिल है, तो इसको हम इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको इस पर ऐड कर देंगे, कार्बन की 4 चाहिए इसको, इसके पास कितने हैं 3 इसको दे रहा है, एक इसके पास और चाहिए, तो इसको हम किस में जोड़ देंगे, बेंजील की संरचना में, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस बहुत कम है, यहाँ पे हमने कर दे रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है, आपको इसी जगह लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अच्छा छोटा सा लिख रहे हैं, यहाँ पे एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड हमने बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नई जगह ही, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको लिख दिया और हमारा बाकी क्या बचा, CH3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने किसको जोड़ दिया, CH3 को। देखिए स्टूडेंट बस इसको आपको राउंड कर देना है, यहाँ से 2NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ से हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया और इसके बाद जो बचा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या बचा है, एक बेंजील की संरचना बची है, एक यहाँ पे CH3 बची है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, टाइलुइन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये क्या बन गया, टाइलुइन बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रकार, देखिए स्टूडेंट आप इस प्रकार करते हैं, अगर आपको वेंजिल की, ठीक है, इस प्रकार भी वेंजिल की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे आप CH3 इसी को बस यहाँ पे ऐसे कर देंगे राउंड, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे इस प्रकार है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या प्राप्त हो गया, टाइलुइन प्राप्त हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पार्ट केमिस्ट्री पार्ट सेकंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो है बूटज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आई होप स्टूडेंट कि ये आपको रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट हमारे चैनल अपना विद्यालय, हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है, सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर को किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी बायो और इंग्लिश के अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन को बताया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपके सभी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बताया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर जाकर किसी भी प्रकार के रिएक्शन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी प्रकार के रिएक्शन को देख सकते हैं और फिजिक्स के देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।